हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कौशिक चैनल। पिछली वीडियो में कच्चे पपीते का हलवा बनाना बताया था, जो कि आप सभी ने बहुत पसंद किया। उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं कच्चे पपीते का मीठा बनाना बता रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही यमी और हेल्दी होता है। आप इस मीठे को चावल, चपाती, पूरी और परांठे के साथ खाएँ। मेरे पास दो कच्चे पपीते हैं। आजकल पपीते का सीज़न है, मार्केट में ये आसानी से मिल जाता है। एक पपीते का मैं मीठा बनाना बता रही हूँ और दूसरे पपीते का हम सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी भी खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। दोनों साइड से आप इस तरीके से काट कर इसे छील लें। ध्यान रखना है, जो ये हरे रंग का छिलका है, इसे हमें बिल्कुल निकाल देना है, नहीं तो जो मीठा है बिल्कुल कड़वा बनेगा। आप इसे निकाल कर सेंटर में से अब काट लें। आप देख रहे होंगे, इसके अंदर कोई भी बीज नहीं है, लेकिन जो ये अंदर सफ़ेद रंग का दिख रहा है, इसे भी हमें काट कर निकाल देना है, नहीं तो मीठे का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। अब 5-6 पीस काट कर आप अंदर से भी इसे इस तरीके से निकाल दें और सारे टुकड़ों को 2-3 बार पानी में धोकर कद्दूकस कर लें। सारे पपीते को कद्दूकस कर लिया है, ना ही इसे बॉयल करना है और ना ही हमें इसे धोना है। मैं आपको बताती हूँ, कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालें। देसी घी में ये मीठा बहुत ही टेस्टी बनता है। सबसे पहले 2-3 काली मिर्च, 3-4 लौंग और 1 चम्मच मीठे सोए का डाल दें और इसे थोड़ी देर पकने दें। इन्हें डालने से मीठे का टेस्ट दोगुना हो जाता है। अब कद्दूकस किए हुए पपीते को कढ़ाई में डाल दें और लो टू मीडियम आँच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएँ। पपीता जो है घी के अंदर अच्छी तरह से पक जाता है और जब आप इस मीठे को खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने पपीते से बनाया है। इसे सिम आंच पर पकाएं। तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी लें और इसे हमें चलाते रहना है जब तक कि ये चीनी पानी में घुल ना जाए। इस चाशनी को हमें एक तार या 2 तार वाली नहीं बनाना है। इसमें थोड़ा चिपचिपापन आ जाना चाहिए, जैसे कि शहद होता है, उस तरीके से इस चाशनी को हमें बनाना है। और टेस्ट के लिए आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने ये 2 इलायची ली हैं, इनके छिलकों को खोल दिया है। मैं इसमें 3 से 4 केसर के धागे डाल रही हूँ। ऐसा करने से चाशनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब सिम आंच पर पकने के लिए आप छोड़ दें। तब तक हम पपीते को देख लेते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए, पपीते का कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब गैस को आप बंद कर दें और चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे होंगे, केसर के धागे डालने से चाशनी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब इसे आप दोनों उंगलियों में इस तरीके से चेक करें और चाशनी जो है बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें जो पपीते को हमने पकाया था उसे कढ़ाई में डाल दें और गैस को बंद ना करें। सिम आंच पर इसे थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि पपीते को हमने पहले ही घी में पका लिया था। कच्चे पपीते का मीठा बनकर तैयार हो गया है। जितना देखने में अच्छा लग रहा है, उतना ही खाने में यमी और हेल्दी होता है। आप इसे चावल, चपाती, पूरी और परांठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी होता है। कच्चे पपीते का मीठा बनाने की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।